और ये बड़ी गंदगी हो रही है सड़क मंडी में, लेकिन वो ये यहाँ पे कोई इंतजामिया है नहीं जो काम करे। ये देखें आप, सिर्फ मंडी का समय है और इस वक्त कुछ गायें भी नज़र आ रही हैं। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यार ये कचरा मंडी वाली गायें जो होती हैं उस तरीके की गायें। खैर देखते हैं अगर यहाँ पे कोई व्यापारी होता है इनसे रेट लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई इस वक्त मैं मौजूद हूँ लालू खेत बकरा मंडी के अंदर। अच्छा भाई, मेरे पीछे कुछ गायें मुझे दिखी हैं लालू खेत में, वो तो लग थोड़ा ऐसे ही लग रहा है कि कूड़ी वाला माल हो जाए, तो घूम रहे होते हैं आवारा गायें। लेकिन फिर भी मालूम करते हैं भाई इसके क्या रेट्स हैं, देखते हैं कौन व्यापारी है। अच्छा भाई, जो व्यापारी हैं जिनका यह माल है उनसे मैंने रेट मालूम किए, तो वो रेट बताने से थोड़े कतरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई आप गोश्त का अंदाज़ा लगा लें, गोश्त क्या किलो चल रहा है उसी हिसाब से लगा लें भाई मन का आप। अच्छा, हमें तो ऐसे ही लग रहा है कि भाई ये कूड़ी वाला माल है, तो वो भाई जान कहने लगे कि भाई मेरा बाड़ा है वो बाड़ा बन रहा है, तो इस वजह से मैं यहाँ जानवर लाया हूँ। खैर, इतने कोई नस्ली जानवर तो नहीं है, और इनमें काफ़ी के तकरीबन 40% जानवर के अंदर मैंने लंपी देखा है। मैं हो सका तो आपको दिखाऊं, ये देखिएगा ये वाला जानवर, इसमें फुल लंपी है, और एक ये कंक्रीज का बच्चा ही है, जो हमारी कंक्रीज नस्ल है उसका बच्चा ही है भाई। ये साहिवाल में ये, अब ये प्योर तो नहीं है, देसी ही होंगे। खैर, जो माल था भाई वो दिखाया आपको, इसके अंदर भाई एक ये बछड़ा बड़ा प्यारा लग रहा भाई, ये लाल लुकड़ा है। वैसे बेचकर तो भाई यहाँ पर इस तरीके का माल आता है ही नहीं, एक आध गायें दिख जाती है अगर दिख गई तो, वरना ज़्यादातर बकरे ही दिखते हैं। खैर भाई, आपको अपडेट देनी थी, और ये देखें भाई इस वक्त फुल कचरा कुंडी वाला माहौल हुआ भाई, वो बचत हो गई भाई, हमारी तो अंदर भी जो है तारे दिख जाते हैं।